हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस सीरीज़ में हम क्लास थर्ड के IMO को पूरा देखने वाले हैं। इसमें मैं आपको वर्कबुक सॉल्व कराऊंगा चैप्टर वाइज, और फिर उसके बाद हम प्रीवियस 5 ईयर्स में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं वो भी कंप्लीट करवा दूंगा। देन उसमें जो नोट्स हैं, मैं आपको नोट्स का भी प्रोवाइड करवा दूंगा। नोट्स भी आपको पूरे वीडियो फॉर्मेट में मिल जाएंगे, ठीक है? और अगर किसी को PDF फॉर्मेट चाहिए है तो मैं टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दे दूंगा इसमें डिस्क्रिप्शन में वीडियो की। आप उस टेलीग्राम लिंक से ज्वाइन कर लीजिए और आपको सबकी इन सबकी जो मैंने अभी भी बताया है इन सबकी PDF मिल जाएगी आपको, ठीक है? तो हम क्लास थर्ड के IMO का फर्स्ट चैप्टर लेते हैं, दैट इज़ नंबर सेंस। ओके, बहुत इजी चैप्टर है। अगर आपके बेसिक्स क्लियर हैं तो बहुत ईजी है ये, बहुत ईजी, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर है बेसिकली टाइप से। ओके, तो हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, स्नेहा हैड अ कलेक्शन ऑफ ऑड नंबर ऑफ स्टिकर्स। क्या दिया है? ऑड नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द नंबर ऑफ स्टिकर्स? अब देखिए, ऑड नंबर के लास्ट में क्या आता है? लास्ट में क्या आता है? इवन नंबर क्या होता है? इवन नंबर देख लीजिए, इवन नंबर क्या होता है? इवन नंबर मतलब वो होता है जिसके जो डिविजिबल हो जाए, 2 से डिविजिबल हो जाए, है ना? तो उसके लास्ट में क्या क्या आएगा इवन केस में? 2, 4, 6, 8, है ना? 2, 4, 6, 8, 0, ये लास्ट में आएगा, तो वो इवन नंबर है। अब हमें क्या देखना है, इधर पे पूछा गया है ऑड नंबर कौन सा है। क्या पूछा गया है? ऑड नंबर। इसका मतलब ये सारे 2, 4, 6, 8, 0 नहीं होने चाहिए, है ना? बेसिकली अगर मैं इवन नंबर को समझ जाता हूँ तो ऑड नंबर उसका जस्ट अपोजिट होगा, है ना? तो इधर पर आप देख सकते हैं इसमें क्या दिया है, 984, 4 आ गया है, तो ये इवन नंबर हो गया है, ठीक। अब सेकंड का ऑप्शन है 908, 8 आ गया है। सेम फोर्थ तो ऑप्शन में भी देखोगे तो 48 आ गया है, 8 आ गया है लास्ट में, तो ये सारे इवन नंबर्स है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया? सी ऑप्शन, क्योंकि हमें ऑड नंबर चाहिए ना, ठीक है? ऑड नंबर में बेसिकली क्या क्या आएगा आप बता सकते हैं? 1, 3, 5, 7 लास्ट में, तो वो अब है ऑड नंबर्स। ओके, अब सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज करेक्ट नेम ऑफ मिस्टर शर्माज हाउस नंबर। इसमें मतलब क्या है, इसमें ये बोल रहा है कि नंबर आपको प्रोवाइड कर दिया है। ओके, ये 9521 आपको नंबर दे दिया गया है ना? अब इस 9521 को हम पूरे वर्ड सिस्टम में कैसे लिखेंगे? वर्ड सिस्टम में कैसे लिखेंगे? सबसे पहले आपको नंबर पढ़ना आना चाहिए, है कि नहीं? अगर आपको नंबर पढ़ना आता है तो आपके लिए इजी है। तो जैसे आप इधर देखिए, फोकस करिए इधर, इस पे क्वेश्चन में बोला है 9521। 9521 का मतलब क्या है यहाँ पे? यहाँ पे 9521 का है, मैं अगर इसको जो डेसिमल प्लेस होते हैं अगर वो मैं डालना स्टार्ट करूँ तो ये क्या होगा? वंस, है ना? ये हो गया टेंस, ठीक है? और ये हो जाता है हंड्रेड्स का, ठीक है? हंड्रेड्स का, ओके। और ये हो गया हमारा थाउजेंड वाला डिजिट, ठीक, थाउजेंड। तो हमारा क्या नंबर बनेगा? हमारा नंबर बनेगा 9000, 9000, 9000, 521, ठीक है? तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 9521, ओके। तो 9521 इसका सेकंड ऑप्शन सही है। अब हम देखेंगे थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज द 4-डिजिट नंबर फॉर्म बाय यूजिंग द डिजिट्स 7, 5, 0 एंड 0, 2 ईच ओनली वंस। इनमें से कौन सा 4-डिजिट नंबर दिखा रहा है जो 7, 5, 0, 2 डिजिट्स को लेके बना है? ओके, तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आपको ये दिमाग में होना चाहिए कि जो ज़ीरो है, ज़ीरो जो 0 डिजिट है, 0 डिजिट, वो कोई भी 1000 प्लेस में ना हो। क्यों? अगर वो 1000 प्लेस में हो जाएगा, समझ लीजिए मैं नंबर लिख दिया 0752, है ना? अभी भी मैंने सारे डिजिट्स यूज़ किए हैं जो लिए हुए हैं 7502 को, बट ये क्या होगा, ज़ीरो जो हो गया वो 1000 प्लेस में आ गया है, इस वजह से ये इसको हटा दिया जाएगा। हटा देने के बाद क्या आएगा, 752 नंबर बचेगा। क्या बचेगा? 752। तो ये क्या हो जाएगा, ये 3 डिजिट हो गया, ये 4 डिजिट नहीं रह गया है। इसलिए आपको ये देखना है कि ज़ीरो स्टार्टिंग में ना हो, तो बी ऑप्शन तो वैसे ही कैंसिल हो गया सीधा सीधा, मतलब क्योंकि इसमें 1000 प्लेस पे आपको ज़ीरो दिख रहा है, तो बी ऑप्शन कैंसिल। ओके,
अब मेरे को देखना है कि 7502 कहाँ कहाँ है इसमें। देखो आप 1000 प्लेस में देखोगे, इसमें आपको कहीं जीरो नहीं दिखेगा, है ना। तो ए ऑप्शन भी कैंसिल है, क्योंकि देखो 1000 पे भी 1 2 3 4 5 पांच बॉल दिख जाएंगी। सेम वैसे ही 100 में कुछ बॉल्स है, 10th में भी कुछ बॉल्स है, और 1s प्लेस में भी कुछ बॉल्स है, पर जीरो डिजिट यूज़ ही नहीं किया, तो ये ऑप्शन कैंसिल। ठीक है, अब हम देखेंगे ये सी ऑप्शन और डी ऑप्शन। ओके, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन में क्या डिफरेंस आ रहा है? सी ऑप्शन और इसमें नंबर ऑफ बॉल्स काउंट करते हैं। ठीक है, जैसे 1000 प्लेस में देखोगे तो 1 ग्रीन वाली है ना, 1 2 3 4 5 6 7, 7 है कहाँ पे? 1000 प्लेस पे। 100 प्लेस पे 1 2 3 4 5, 5 है इधर पे, 2 है और इधर इधर पर 2 है। ओके, और इधर पे 0 हो गया। ठीक है, बन रहा है, सारे डिजिट्स यूज़ किए हैं। अब डी ऑप्शन देखते हैं, 1 2 3 4 5 6, इधर 6 ही लिया है, तो 6 हो गया, तो ये वैसे ही गलत हो गया कि 6 तो हमें अलाउड ही नहीं था यूज़ करना। ओके, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन। बहुत ईजी है, आप बस वीडियोस फॉलो करते जाइए। मैं अगर आप पूरी प्लेलिस्ट ही मेरी देख लेंगे तो आपका ऐसे ही सिलेबस कवर हो जाएगा, आपको और कुछ करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, फोर्थ क्वेश्चन क्या है? द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट इवन नंबर दैट कैन बी फॉर्म्ड बाई यूजिंग द डिजिट 7065 विदाउट रिपीटिंग द डिजिट्स। आपको रिपीट नहीं करने हैं डिजिट्स, ये ध्यान में रखना है, क्योंकि ये लाइन पे दिया हुआ है रिपीटिंग विदाउट रिपीटिंग। ठीक है, अब क्या बोल रहा है? 7065, ये 4 डिजिट्स दिए हैं, और इसमें बोल रहा है कि आपको इवन नंबर बनाना है 4 डिजिट में। इवन नंबर, इवन नंबर कब बनेगा? कि लास्ट में 0 आ जाए, लास्ट में 0 आ जाए, या फिर 6 आ जाए। ओके, तभी इवन नंबर बनेगा। अब मैं ऑप्शन वाइज अगर देखूँ तो डी ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता है, क्यों? क्योंकि लास्ट में 5 आ गया है, लास्ट में उसके 5 दिया हुआ है, तो ये वाला ऑप्शन तो वैसे ही कैंसिल हो गया है। ठीक है, आप क्या बोल रहा है? ग्रेटेस्ट बोला है, ग्रेटेस्ट मतलब समझ रहे हैं कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा। तो ऑप्शन वाइज भी अगर मैं जाऊँ, सिंपल ऑप्शन वाइज भी अगर मैं जाऊँ, तो ऑप्शन वाइज में आपको क्या दिखता है कि 6 आ गया है स्टार्टिंग पे, तो ये भी ग्रेटेस्ट नहीं होगा, क्योंकि अगर मैं स्टार्टिंग पे ही 7 ले लूँ तो वो नंबर ज़्यादा बड़ा हो गया ना, ऑब्वियस ही बात है। 6000 बड़ा होगा कि 7000? तो 7000 बड़ा होगा। ठीक, सेम वैसे ही फोर्थ ऑप्शन भी हट गया था, फर्स्ट ऑप्शन भी हट गया है। अब मैं सेकेंड ऑप्शन में देखता हूँ तो 7500 बनेगा, और वही थर्ड ऑप्शन 7650। तो कौन सा बड़ा है, 7560 बड़ा है या फिर 7650 बड़ा है? तो ऑब्वियस ही बात है कि 7650 बड़ा है। तो करेक्ट आंसर जो है हमारा थर्ड ऑप्शन है, और लास्ट में 0 भी है, तो ये इवन नंबर भी बन गया है। इवन नंबर का मैंने आपको स्टार्टिंग के फर्स्ट क्वेश्चन में ही समझा दिया था, इसलिए आप समझ गए होंगे। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं, विच प्लेस वैल्यू विल डिटरमाइन द लार्जर नंबर अमॉन्ग द गिवन टू नंबर्स। विच प्लेस वैल्यू विल डिटरमाइन द लार्जर नंबर। ठीक है, इसमें आपको ऑप्शन बताना है सीधा सीधा कि विच प्लेस वैल्यू जो है वो लार्जर नंबर डिनोट कर रही है। ठीक, तो ऑब्वियसली बात है कि आप अगर देखेंगे तो आपको सीधा सीधा दिख जाएगा कि 1s, 100s, 1000s में से कौन सी लार्जर नंबर वैल्यू बता रहा है। ओके, आप सीधा सीधा देख सकते हैं, 9276 में आपका 1000 प्लेस पे जो है वो सबसे ग्रेटर वैल्यू है। ओके, तो ये ऐसे ही आपका क्लियर हो गया। ठीक, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ नंबर्स इज अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है? कि छोटे से बड़ा होना। ठीक है, और वही डिसेंडिंग का मतलब क्या होगा? डिसेंडिंग का मतलब होता है छोटे से बड़े से छोटा होना। ठीक है, ऐसे ये डिसेंडिंग हो गया है, और असेंडिंग जस्ट इसका अपोजिट, छोटे से बड़ा। अब क्या बोल रहा है? असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग मतलब छोटे से बड़ा देखना है हमें। तो सबसे छोटा नंबर आप देखेंगे, हम ऑप्शन वाइज जाते हैं। ऑप्शन वाइज जाने से क्या होगा, आपका वैसे ही क्लियर हो जाएगा आपको भी। तो अगर मैं ऑप्शन वाइज जाऊँ तो इसमें पहला लास्ट डिजिट क्या है? 9000 दिया हुआ है, और फर्स्ट डिजिट है 1920, और सेकेंड है 1902। तो आप देखोगे फर्स्ट ये 1920 और 1902, तो 1902 बड़ा नहीं है। ओके, तो इसका मतलब 1902 पहले आना चाहिए था, है ना, छोटे से बड़ा जाना है ना हमें, तो बी ऑप्शन नहीं हो सकता है। ठीक, फिर अगर मैं जैसे देखिए फोर्थ ऑप्शन में देखूँ तो सेम क्या आ रहा है? 1920, फोर्थ ऑप्शन देख रहा हूँ, 1920, 9102। ओके, और फिर उसके बाद
9328 9468 9768 ये आपका दिख रहा है ना। ये आप देखेंगे तो छोटे से बड़ा हुआ, फिर उससे थोड़ा और बड़ा हुआ, 9300 आया, फिर 9400 आया, 9700 आया। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? फोर्थ ऑप्शन हो गया है। पहले 1920 है, फिर 9000 है, फिर 9300, 9400, 9700, तो ये बढ़ता जा रहा है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेवन्थ क्वेश्चन। सेवन्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 6935 इज सेम एज, बहुत ईजी है, इसको बस आपको तोड़ना है। मैं आपको देखो सिंपल है, आप अगर प्लेस वैल्यू बताना आ गया है ना, तो आप वैसे ही क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। फाइव क्या है? वंस डिजिट पे है, वंस डिजिट पे है। थ्री क्या है? टेंथ डिजिट पे। नाइन है क्या? हंड्रेड डिजिट पे। और सिक्स क्या है? थाउजेंड डिजिट पे। तो इसका कैसे आप लिखेंगे? 6000, ओके, प्लस थ्री प्लस 900, नाइन है ना, हंड्रेड डिजिट पे, ठीक, प्लस थ्री टेंथ 30 प्लस 5, तो आंसर क्या हो गया? थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ओके, एट्थ क्वेश्चन देखते हैं। एट्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, इनकरेक्ट वाला बताना है आपको कि इनमें से कौन सा गलत है। इनकरेक्ट का मतलब होता है इनमें से कौन सा ऑप्शन गलत है। ओके, तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है? 3846, 3846 बिल्कुल सही है। अगर आप इसको सेम डिजिट्स में करिए, वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड, तो 3000 है, 800 है, और 40 है, और 6 है, तो ये सही है, ये आंसर ऑप्शन नहीं है अपना, मतलब ये सही आंसर है, हमें गलत आंसर ढूंढना है। तो क्या दिया है इसको फिर से आप बी ऑप्शन को देखिए, बी ऑप्शन में क्या दिया है? 4000 की जगह पर है, 4000 की जगह पर है ना, और 100 की जगह पर है, 8 10s की जगह पर है, ठीक है। तो अगर मैं देखूँ 4181, सही है, ये भी आंसर नहीं है, इसका मतलब हमारा, हमें गलत ऑप्शन ढूंढना है। ओके, थर्ड ऑप्शन देखते हैं, 6042, 6042, तो यही आंसर हमें चाहिए है, क्योंकि जो दिया हुआ है 6000 दिया हुआ है, और 42 दिया हुआ है, 42 दिख रहा है ना, 42, और इधर पे क्या दिया है? 24, तो 6024 तो है ही नहीं, तो इसके लिए हमारा आंसर क्या है? थर्ड ऑप्शन हो गया। अब मैं देखता हूँ नाइन्थ क्वेश्चन। नाइन्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है? विच ऑफ द गिवन अबेकस शोज द नंबर लेस देन 1345, 1345 से कम नंबर देखना है। ओके, तो 1345 से अगर आपको कम नंबर देखना है, तो ऑब्वियस ही बात है हम थाउजेंड से ही कम देखते हैं, तो यहाँ पे ए ऑप्शन में तो 1000 है, ठीक है, बी ऑप्शन में तो बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो बी ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता है, ठीक। सी ऑप्शन में देखते हैं, सी ऑप्शन में भी 1000 है, और डी ऑप्शन में भी 1000 है। अब हम क्या करेंगे? अब हमने थाउजेंड वाली प्लेस देख ली है ना, 1345 में थाउजेंड वाली प्लेस हमने कर ली है, तो अब हम देखेंगे 300 की प्लेस पे क्या करेंगे। अब हम 300, 300 से कोई काम है क्या? ये भी 300 है, और सी ऑप्शन में देखोगे तो ये भी 300 है, पर डी ऑप्शन जो देखोगे तो उसमें 200 है ना, ये 200 दिया हुआ है, तो इसका हमें लेस नंबर चाहिए था 1345 से, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर। अब आते हैं हम टेंथ क्वेश्चन पर। टेंथ क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर नेम्स बिलोंग्स टू द डॉग्स नंबर, डॉग्स नंबर मतलब ये जो जिसने पहना हुआ है, 729, तो 729 को कैसे लिखेंगे हम? बहुत इजी है, अगर आपको यूनिट डिजिट वाला डालना आ गया ना, तो आप ऐसे ही समझ जाओगे। क्या बोल रहा है? 729, तो 9 क्या हो गया? वंस डिजिट पे हो गया, 2 क्या है? टेंस पे है, और 7 क्या है? 100 डिजिट पे है ना, तो आप क्या लिखोगे? 700 729, तो आपको कौन सा आंसर सही दिख रहा है? 729 इज द थर्ड आंसर। ओके, तो ये हो गया आपका टेंथ का सी ऑप्शन करेक्ट। अब मैं इलेवेंथ वाला ऑप्शन क्वेश्चन पे आता हूँ। इलेवेंथ क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द स्मॉलेस्ट फोर डिजिट नंबर दैट कैन बी फाउंड बाय यूजिंग द डिजिट्स 5987 विदाउट रिपीटिंग विच विल हैव नंबर एट विल नंबर हैव एट इट्स टेंथ प्लेस। हमें फोर डिजिट नंबर का सबसे छोटा नंबर बताना है, कौन से डिजिट्स का यूज़ करके? 5987। तो स्मॉलेस्ट डिजिट अगर मैं करूँ तो 5987 में से 5987, अगर मैं इसको असेंडिंग ऑर्डर में ही लिख दूँ तो ही वैसे ही हो जाएगा मेरा स्मॉलेस्ट, है कि नहीं? असेंडिंग ऑर्डर मैंने बताया था ना, छोटे से बड़ा,
तो 5 आएगा, फिर उसके बाद 7 आ जाएगा, फिर उसके बाद 8 आ जाएगा और 9 आ जाएगा। तो ये हमारा स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर बन गया, असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया मैंने बेसिकली। ठीक, तो 10th प्लेस पे कौन सा नंबर है? 1s पे 9 है, 10s पे क्या है? 8 है। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया? सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक, 12th क्वेश्चन पे आते हैं। 12th क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द न्यूमेरल फॉर्म ऑफ 80,076, 80,076 दिया है। तो 76 आपको लास्ट में अगर आप देखेंगे तो बी ऑप्शन ही सही है। तो सीधे सीधे देख के समझ में आ रहा है, क्यों 80,000 बोला है तो 8,000 हो गया। ठीक, प्लस उसने बोला है 76, तो 76 प्लस कर दो तो कितना आएगा? 8,076 आएगा आपका आंसर। तो सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 13th क्वेश्चन पे आते हैं। 13th क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग चाइल्ड नंबर्स हैज़ टू एट 10th प्लेस। आपको कुछ नहीं करना है, आपको 1s, 10s, 100, 1000 जो मैं करके आ रहा हूँ ना अभी सारे क्वेश्चन में, वही देखना है। तो फर्स्ट ऑप्शन में ही देखते हैं, फर्स्ट ऑप्शन में ही दिख रहा है वो। तो 3, 1, 2, 3 दिया है। तो 3 क्या हो गया? ये हो गया 1s प्लेस पे। 2 क्या हो गया है? 10th प्लेस पे। 1s क्या है? 100 प्लेस पे। और 3 क्या है? 1000 प्लेस पे, है ना। तो करेक्ट आंसर क्या है? 2 जो है 10th प्लेस पे है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक, 14th क्वेश्चन देखते हैं। 14th क्वेश्चन क्या कह रहा है? 14th क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द प्लेस वैल्यू ऑफ 3 as 100। 3 as 100 का मतलब क्या बोल रहा है कि 3 जो है अगर इंटू 100 कर रहा हूँ मैं तो 300 आएगा। तो 3 जो है वो 100 प्लेस पे हो, 3 जो है वो 100 प्लेस पे हो तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर आप जैसे देखेंगे 3 जो है वो 100 प्लेस पे होना चाहिए, इसका मतलब इस पे फर्स्ट ऑप्शन में 2 बॉल्स जो है वो 100 प्लेस पे है, तो ये 200 हो गया। ये क्या है? 1, 2, 3, 4, 4 बॉल्स है 100 प्लेस पे, और इसका 100 प्लेस पे 3 है और इसके 100 प्लेस पे 4 है, तो करेक्ट आंसर हो गया थर्ड ऑप्शन, करेक्ट आंसर हो गया। ओके, हम आते हैं 15th क्वेश्चन। 15th क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इफ 100 प्लेस डिजिट्स एंड यूनिट डिजिट्स प्लेस आर इंटरचेंज इन ईच ऑफ द गिवन नंबर्स देन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज इवन। इसमें क्या क्वेश्चन में बोल रहा है कि अगर मैं 100 वाली जो प्लेस होती है उसको और जो 1s वाली डिजिट है उसको अगर मैं चेंज कर देता हूँ तो फिर उसके बाद कौन सा नंबर ऐसा रहेगा जो इवन होगा। देन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज इवन। तो मुझे देखना है कि 100 किस कौन सी ऐसी प्लेस है जहाँ पे इवन नंबर प्रेजेंट है। ओके, तो अगर आप देखेंगे तो इसमें 2, 4, 5, 6 में भी 4 जो हो गया वो 100 प्लेस पे है, इवन है। बी में देखेंगे आप 8 जो है वो भी इवन है, और इसमें भी 8 है वो इवन है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑल ऑफ दीज है। ठीक है, 16th क्वेश्चन पे आते हैं। 16th क्वेश्चन बोल रहा है सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन क्या है? प्लेस वैल्यू ऑफ 3 in 6593 इज 30। गलत, क्योंकि 3 जो है, 3 जो है इधर पे 1s प्लेस पे है, तो यहाँ पे अगर 3 दिया होता तो सही होता। प्लेस वैल्यू ऑफ 7 is 9768, तो 7 जो है वो 100 प्लेस पे है, इसका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। ओके, 17th क्वेश्चन पे आते हैं। 17th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग अवेक शोज द नंबर 4321। 4321 मतलब 4 जो होना चाहिए वो 1000 प्लेस पे होना चाहिए, 1000 प्लेस पे 3 होना चाहिए, फिर उसके बाद 4321। अब आपको कुछ नहीं देखना, आपको 4 जो है 1000 प्लस पे हो, ठीक है, फिर उसके बाद 3 जो है वो 100 प्लेस पे, 2 जो है वो 10th प्लेस पे, और 1 जो है 1s प्लेस पे, तो सेकेंड ऑप्शन करेक्ट आंसर है। स्टडी द 18th क्वेश्चन देख रहे हैं। स्टडी द नंबर्स केयरफुली, डैश इज द ग्रेटेस्ट नंबर एंड डैश इज द स्मॉलेस्ट नंबर रिस्पेक्टिवली। जिसका आप देखेंगे 1000 प्लेस पे, इसमें 4 नंबर दिए, इसका मतलब 1000 प्लेस देखना है, तो 1000 नंबर 1000 प्लेस पे जिसका डिजिट सबसे बड़ा होगा वो ग्रेटेस्ट नंबर। तो सबसे पे 1000 प्लेस पे सबसे बड़ा नंबर है 9, है ना, तो 9248 इज़ द ग्रेटेस्ट नंबर। तो क्या आएगा यहाँ पर? आएगा 9248। ओके, एंड डैश इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर। स्मॉलेस्ट नंबर के लिए हमें क्या देखना पड़ेगा कि जैसे आप देखिए इसमें और इसमें और इसमें, इन तीनों में 2 है, तो हमें 1000 प्लेयर्स अब छोड़ना पड़ेगा क्योंकि सबका 2 है, बराबर है। तो इसलिए हमें नहीं क्या अब देखना पड़ेगा कि 100 प्लेस पे किसका छोटा है। तो 100 प्लेस पे आप देखेंगे तो ये वाला और ये वाला, इसमें भी 1 है, तो अब हम देखेंगे फोर्थ, ये 10th प्लेस पे,
तो 2154 और 2145, क्या ये मैंने सही लिखा है? नहीं, ये गलत है। आपका क्या है, 2145 छोटा नंबर है, ठीक है, 2145 छोटा नंबर है, तो यहाँ पर ये डिजिट आएगा 2145, ठीक, ये सही है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, 2145 इज द स्मॉलेस्ट नंबर। 19th क्वेश्चन क्या है, हु होल्ड्स द लीस्ट नंबर, सबसे छोटा नंबर बताना है। सेम वही कंसेप्ट, हम सबसे पहले देखेंगे 1000 प्लेस पे ये टू है, ये टू है, ये टू है, तो इन तीनों में से कोई आंसर है। फिर हम देखेंगे 100 प्लेस पे, 100 प्लेस पे ये 2432 है, तो ये तो नहीं हो सकता, और ये तो है ही नहीं वैसे भी, ठीक। अब हमने इस पे 100 प्लेस पे देखा तो 33 सी या डी में से कोई आंसर है। 10th प्लेस पे देखेंगे तो ये 6 दिया है, ये 1 दिया है, तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, लास्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर। अब क्या है, 20 क्वेश्चन पे क्या है बोल रहा है, 20 क्वेश्चन पे बोल रहा है कि विथ सिम्बॉल शुड बी रिटन इन द बॉक्स टू मेक द गिवन नंबर सेंटेंस ट्रू, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है ये आपको बताना है, ठीक। तो वन आपने 1000 प्लेस पे किया, बराबर है, 100 प्लेस पे चेक किया 4 और 5, तो 1456 ये जो है वो छोटा है और 1546 बड़ा है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन क्या है, मधु रोट अ नंबर ऑन द ब्लैक बोर्ड एज शोन बिलो, मधु ने नंबर लिखा है 6-9, अब उसमें लिया है इफ इट इज फॉर्म फ्रॉम 3 डिजिट नंबर देन विच ऑफ द फॉलोइंग डिजिट्स कुल बी प्लेस्ड द गैप टू मेक इट द ग्रेटेस्ट नंबर, ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है, ठीक है। तो ऑब्वियस ही बात है, आप सबसे बड़ा डिजिट चूज कर लीजिए, तो 9 है तो 9 लिख देंगे, तो ये 699 हो गया, ग्रेटेस्ट नंबर बन गया। अगर मैं 60 लिख देता तो 609 हो जाता, वो छोटा नंबर बन गया, ऑब्वियस ही बात है। ओके, 22 पे आते हैं, 22 क्या बोल रहा है, सोहन हैज़ टू बास्केट्स फुल ऑफ सम नंबर टोकन्स, ही लाइक्स द नंबर दैट आर इन रेड बास्केट, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स फॉर्म बाय यूजिंग द डिजिट्स गिवन इन द बास्केट विल ही लाइक द मोस्ट, आपको रेड वाले डिजिट्स से यूज़ करके बनाना है, क्यों, क्योंकि उसको ये नंबर्स पसंद है 6952, तो आपको देखना है कि 6952 कौन से इसमें है, सेकेंड ऑप्शन में दिया हुआ है 6529, है ना, तो इसलिए सेकेंड ऑप्शन करेक्ट आंसर हो गया है। ये डिजिट्स जिसमें नंबर में यूज़ किए हैं वो उसको पसंद है नंबर, तो ये सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो गया। 23 क्वेश्चन देखते हैं, सोनिया इज प्लेइंग विद सम नंबर कार्ड्स, शी मेड अ डेक ऑफ दिस कार्ड्स एंड पुल्ड द कार्ड्स एज शोन बिलो, हर मदर आस्ड विच इज़ द लार्जेस्ट पॉसिबल 4 डिजिट नंबर दैट कैन बी फॉर्म बाई यूजिंग ऑल कार्ड्स, सिंपल है, इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा दो, है ना, हमें डिसेंडिंग ऑर्डर चाहिए, तो इनमें से सबसे बड़ा डिजिट 8, फिर आता है 6, फिर है 5 और फिर है 2, तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर हो गया है, क्योंकि हमें बड़ा नंबर चाहिए था, ठीक। अब देखते हैं 24th क्वेश्चन, 24th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मिसेस शर्मा रोट अ 4 डिजिट नंबर ऑन द ब्लैक बोर्ड, 3 स्टूडेंट्स अंशु विशाल एंड बादल सेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट दैट नंबर, अंशु बोल रहा है कि इट इज़ अ 4 डिजिट नंबर बट नॉट द लिस्ट, 4 डिजिट का नंबर है बट छोटा नहीं है, इट विशाल बोल रहा है इट इज़ लेस देन अर्ला इट इज़ लेस देन द 4 लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर बट ग्रेटर देन 9997, बोल रहा है कि सबसे बड़ा जो 4 डिजिट नंबर होता है उससे छोटा है बट 9997 9997 से बड़ा है। बादल बोल रहा है इट्स 100 प्लेस डिजिट इज़ 9, उसकी जो 100 प्लेस पे है वो डिजिट 9 है, तो सिंपल है, आपको सेकंड ऑप्शन वैसे ही दिख रहा होगा कि ये करेक्ट है, क्योंकि हमें 9997 से जो बड़ा नंबर, तो ये तो है ही नहीं, ये भी नहीं है, और कांड से क्यों देखना, अभी सबसे पहले सेकेंड ऑप्शन देखेंगे, तो सेकेंड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। ओके, ये सारे स्टेटमेंट्स जो है वो फुलफिल कर रहा है। 25th क्वेश्चन देखते हैं, 4 बॉयज़ आर प्लेइंग इन अ नंबर गेम, ईच ऑफ देम आर राइटिंग देयर फेवरेट नंबर, अरेंज देम इन असेंडिंग ऑर्डर, कुछ नहीं है, आपको असेंडिंग मैंने बताया था, असेंडिंग मतलब छोटे से बड़ा, ठीक, तो छोटे से बड़ा सबसे छोटा नंबर कौन सा हो गया, सबसे छोटा नंबर हो गया 1252, तो राज सबसे पहले आएगा, राज सबसे पहला मतलब फर्स्ट ऑप्शन गलत है, सेकेंड ऑप्शन गलत है, ठीक, राज के बाद क्या है आपका 5425 नंबर सबसे छोटा है, आपको 1000 प्लेस सबकी कंपेयर करनी है ना, अगर 1000 प्लेस जैसे तरुण और इसकी राहुल की सेम है तो आप 100 प्लेस देखेंगे, 100 प्लेस पे 4 दिया हुआ है तरुण में, तो तरुण में असेंडिंग नंबर पे आएगा, तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, राज हो गया, फिर तरुण हो गया, सी ऑप्शन अभी और डी ऑप्शन में भी वही सेम है, अभी राज और तरुण दिया हुआ है, तो हमें रवि भी देखना पड़ेगा, क्या रवि आएगा, नहीं आएगा, राहुल आएगा, क्योंकि राहुल का भी 56 है और तरुण का 5425 है, तो तरुण के बाद राहुल आएगा, तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, लास्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर हो गया।
हाँ आते हैं लास्ट क्वेश्चंस पे ही, अचीवर सेक्शन। द गिवन टेबल शोज द नंबर ऑफ एग्स प्रोड्यूस ऑन अ फार्म इन द फर्स्ट 5 मंथ्स। पहले 5 महीने के जितने अंडे प्रोड्यूस हुए हैं वो दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट इनमें से करेक्ट है? तो अगर हम फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे तो क्वेश्चन फर्स्ट ऑप्शन दिया है द नंबर ऑफ एग्स प्रोड्यूस्ड इन अप्रैल वी आर लेस देन इन फरवरी। अप्रैल में कितने दिए हैं? 4907 अंडे प्रोड्यूस हुए हैं। फरवरी में कितने हुए हैं? 4228। तो नंबर ऑफ एग्स प्रोड्यूस इन अप्रैल लेस थे क्या फरवरी से? नहीं, क्योंकि 4900 बड़ा होगा 4200 से। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है? गलत है। सेकंड ऑप्शन क्या है? द नंबर ऑफ एग्स प्रोड्यूस्ड इन मई वेयर लेस इन मार्च। मई में कितने बने हैं? मई में बने हैं 5164 और मार्च में कितने बने हैं? 5879। तो मई में जितने अंडे बने हैं वो मार्च से कम है, बिल्कुल कम है। मैं देखो 1000 प्लेस देखूंगा 5 5 सेम है, 100 प्लेस देखूंगा इधर 1 है इधर 8 है, तो मई का क्या है? कम है। तो सेकेंड ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? स्टेट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स। ट्रू और फॉल्स बताना है। ओके, पी क्या बोल रहा है? पी 3900 इज सेम एज 3900। सही है, ट्रू है ना। 3900 को हम 3900 ही लिखेंगे। क्यू वाला क्या बोल रहा है? 8040 tens tens ones। 8000, ठीक है, 100 पे कुछ नहीं है तो 0, 40, फिर उसके बाद 10 ones। 10 ones का मतलब क्या हो गया कि 10 यहाँ पे आएगा, तो 10 जब यहाँ आएगा तो ये इधर पे एक कैरी देके ऐसा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 10 ones, अगर 9 ones होते तो ऐसा रहता, बट 10 ones जैसे ही बोल दिया तो ये ऐसा हो गया, ये जो वन जो है ये 10th की जगह पे आ जाएगा फिर, इसलिए हमने 4 + 1 = 5 लिख दिया है ना। तो ये क्या है, ये सेकेंड क्यू वाला फॉल्स है। आर क्या बोल रहा है? 9326, ये सही है। तो ये ट्रू, ये फॉल्स, ये ट्रू। टी एफ टी किस में दिया हुआ है? टी एफ टी दिया थर्ड ऑप्शन में, तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट आंसर हो गया। 20th क्वेश्चन देखते हैं। 20th क्वेश्चन बोल रहा है मैच करना है जो नंबर बन रहा है, तो 468, तो 468 बन गया। ठीक, 4680, तो 4680 वंस प्लेस पे कुछ नहीं है, तो ये सेकंड क्यू वाला हो गया। 400 + 6 406 बन गया, क्योंकि यहाँ पे 10th प्लेस पे कुछ नहीं है। एस वाला क्या है? 4060 + 8, तो 400 प्लेस पे कुछ नहीं है, है ना। तो ये लास्ट वाला क्या बनेगा? एस वाला है 4068। ठीक है, अब आपको बस मैच करना है, आप मैच कर लीजिएगा और करेक्ट आंसर कमेंट करिएगा। ओके, करेक्ट कमेंट करिएगा, इससे क्या होगा आपको भी ग्रास्प हो रही है चीज़ें कि नहीं पता चलेगा। 2 क्वेश्चन बचे हैं, जल्दी करते हैं। आइडेंटिफाई द नंबर यूजिंग द गिवन क्लूज। आई एम एन ऑड नंबर, ऑड नंबर इसका मतलब लास्ट डिजिट पे 8 तो हो ही नहीं सकता है। ठीक है, तो सी वाला ऑप्शन ऐसी हट गया। आपको स्टेटमेंट दिया, आपको बताना है कि कौन सा इसमें से सही है ना, तो लास्ट वाला हो ही नहीं सकता, हट गया। माई 10th डिजिट इज़ द ग्रेटेस्ट वन डिजिट नंबर। ग्रेटेस्ट वन डिजिट नंबर मतलब 9, तो 9 इन द सेंस ये वाला भी नहीं हो सकता है। 10th डिजिट पे 9 इसके हैं, 10 9 इस पे हैं, तो ए या बी है। माई 100th डिजिट इज़ एन इवन नंबर। 100th डिजिट पे जो है वो इवन है, 4 4 दोनों में सेम है, तो हो सकता है कि ये दोनों है। अब बोल रहा है माई 1000th डिजिट इज़ द लीस्ट ऑड नंबर। लीस्ट ऑड नंबर क्या होता है? 1 होता है, तो करेक्ट आंसर क्या है? बी। ओके, सो अब लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन बोल रहा है सोनाली स्पिल्ड इंक ड्रॉप्स ऑन हर होमवर्क शीट एज शोन। उसने इंक गिरा दी है अपनी होमवर्क शीट पे, तो बोल रहा है कि 430 ऑप्शन विच डिजिट मस्ट बी रिटन टू मेक द अबव सेंटेंसेस करेक्ट। कौन सा डिजिट इसमें से लिखना है कि अबव सेंटेंस जो हो जाए करेक्ट हो जाए। तो क्या दिया है? 432 इज ग्रेटर देन 4-6। तो यहाँ पे क्या है ना, तो अगर यहाँ पे 432 है तो ये 4 3 से कम आना चाहिए, है ना, तभी ये कम होगा। तो 3 से कम बी नहीं है, 6 बी ऑप्शन नहीं हो सकता क्योंकि 6 है। 3 नहीं हो सकता कि ये 436 हो जाएगा तो ये ज़्यादा हो जाएगा। 4 भी नहीं हो सकता तो 2 आ जाएगा, तो 432 426, तो 422 ये सही है। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया? फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर है। ओके, चलिए आपका खत्म हो गया है पूरा फर्स्ट चैप्टर। अब अगले वीडियो में हम सेकेंड चैप्टर देखेंगे और इसकी मैं पूरी प्लेलिस्ट बना दूंगा, तो ये आपको पूरा कंटेंट एक साथ मिल जाएगा। ओके।